आज मैं बताने वाला हूं तुम्हें चाणक्य की वो नीतियां जो कि सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं आजकल की लाइफ में। ये नीतियां चाणक्य जी ने बहुत पहले बता दी थी, लेकिन बहुत ही अजीब सी बात है, बहुत ही शॉकिंग बात है कि आज तक वो बातें यहां पर फिट बैठती हैं आज की दुनिया में भी। तब उन्होंने किसी और रिस्पेक्ट में कही थी, आज किसी और तरीके से फिट कहती हैं। तो उन्होंने क्या क्या बातें कही थी, बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें इन दो लोगों के बीच में कभी भी नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो हम ही पीसे जाते हैं। कौन से दो लोगों के बीच में? सबसे पहले उन्होंने कहा दो ब्राह्मणों के बीच में। अब उन्होंने ब्राह्मण बोला था, ब्राह्मण ब्राह्मण आजकल के कहां, तो ब्राह्मण आपको नहीं देखना है, आपको देखना है कि अगर दो विद्वान लोग, अगर दो अच्छे मैच्योर लोग अगर आपस में बहसबाजी कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में आपको कभी भी नहीं कूदना चाहिए। अगर आपसे दो बड़े लोग बात कर रहे हो, किसी बात पे झगड़ा कर रहे हो, तो बच्चों को बीच में नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। कई बार हमारी आदत होती है कि दो अच्छे लोग कुछ अच्छी बातें कर रहे होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं, और हम बीच में कूद पड़ते हैं। फिर हमारे बड़े कहते हैं कि जब बड़े बात कर रहे हो दो, तो बच्चे को बीच में नहीं कूदना चाहिए। तो हमेशा याद रखो कि जब दो ब्राह्मण लोग या दो बड़े लोग या दो विद्वान लोग या दो पढ़े लिखे लोग या दो मैच्योर लोग, हमसे अच्छे लोग अगर दो बात करो, तो बीच में अगर तुम टांग भिड़ाओगे तो तुम ही मारे जाओगे और वो दोनों तुम्हें ही सुना देंगे। तो अगर तुम मैच्योर नहीं हो, तुम उनके लेवल पे नहीं हो, तो उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को सीखो, बीच में घुसने की कोशिश मत करो, अपना ईगो दिखाने की कोशिश ना करो। दूसरा चीज उन्होंने चाणक्य जी ने कहा है कि ब्राह्मण जब यज्ञ कर रहा हो तो ब्राह्मण और उसके यज्ञ की अग्नि के बीच में नहीं आना चाहिए। अब ये बड़ा रिचुअल लग रहा है ना, ब्राह्मण यज्ञ, तो वो सब बातों आप छोड़ो, आज की रिस्पेक्ट में बताता हूँ क्या कहना चाह रहे थे। वो कहना चाह रहे थे कि अगर कोई इंसान अपने करियर अपने गोल के पीछे है, तो उन दोनों के बीच में आपको नहीं आना चाहिए। कैसे? कि अगर ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है तो कुछ हासिल करना चाहता है, वो उसकी प्रतिज्ञा है, वो उसकी मेहनत है, वो उसका हार्डवर्क है, तो किसी इंसान और उसके हार्डवर्क के बीच में आपको नहीं आना चाहिए, किसी इंसान और उसके करियर उसके गोल के बीच में आपको नहीं आना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके बीच में मत आओ, उसको प्लीज अपना काम करने दो, तुम भी अपना काम करो, उसको भी अपना काम करने दो। ये उन सभी लड़कों के लिए, उन सभी लड़कियों या जो भी लोगों के लिए जो कि अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, अरे ये करना मजा आएगा, वो करना मजा आएगा, बेचारा कुछ अच्छा काम करने वाला होता है, लेकिन हम उसको दोस्ती का हवाला देके कहीं भी ले जाते हैं और गलत गलत काम करवाते हैं। तो जो इंसान अच्छा है, कुछ अच्छा करना चाहता है अपनी लाइफ में, तो उसको करने दो, बीच में उसके मत जाओ। थर्ड जो कि बहुत अच्छी बात चाणक्य जी ने कही थी और आजकल तो बहुत ज्यादा फिट होती है, कि पति और पत्नी के बीच में आपको कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में लड़ रहे हैं, या मियां बीवी या जो भी दो आपस में लड़ रहे ना, इनके बीच में मत जाओ। होगा क्या कि आपस में दिखा रहे हैं कि बहुत लड़ रहे हैं, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अन्याय हो रहा है, ये तो इसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, चाहे पति है चाहे पत्नी, इसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तुम जाओगे बीच में पड़ोगे, सुनाओगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, बताए क्या होगा, वो दोनों तुम्हें ही सुनाने लग जाएंगे, क्योंकि वो उनका प्यार है, वो उनका लड़ाई नहीं चल रहा है, वो उनका प्यार है। और बाद में तुम्हें ही पता चलेगा कि भैया कल तक जो लड़ रहे थे, आज सुबह तो एकदम खुशी खुशी घूम रहे, तो उनका प्यार है, उनके बीच में मत पड़ो। मियाँ बीवी के बीच में जाओगे तो तुम ही पीछे जाओगे, क्योंकि आखिरकार मियाँ बीवी को साथ ही हो जाना है। फोर्थ जो कि चाणक्य जी ने कहा था कि एक स्वामी और उसके नौकर के बीच में कभी भी नहीं आना चाहिए। स्वामी कौन है? बॉस, कोई इंसान जो कि किसी को कंट्रोल कर रहा है, जो कि मैनेजर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, या कोई भी आप लगा लो बॉस, जो कि थोड़ा जो सेठ आदमी कह लो, और उसका नौकर कौन हो सकता है, जो कि उसके अंडर जॉब कर रहा है, उसके अंडर कुछ काम कर रहा है। नौकर जरूरी नहीं है कि वही पर्टिकुलरली नौकर ही, जो भी उसके अंडर काम कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा आप करोगे तो आप बिल्कुल पीछे जाओगे। ये ज़्यादातर कॉर्पोरेट लाइफ में देखा गया है कि लोगों की आदत होती है बीच में कूदने की। एक बॉस अगर अपने किसी वर्कर को सुना रहा होता है ना, जो कि उसके अंडर काम कर रहा होता है, तो बीच में कूद पड़ते हैं, अरे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, अरे सर वैसा नहीं। एक बॉस अपने जो अंडर काम कर रहा है उनको हैंडल करना जानता है, आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जो बॉस गुस्सा है ना वो आप पे निकाल देगा और आपको कहीं ना कहीं इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। आगे चाणक्य जी ने कही है कि एक गधे से हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं, ये समझना थोड़ा बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज चाणक्य जी बताते हैं कि एक गधे से हमको सीखना चाहिए कि अपना बोझ खुद ही ढो, अपना काम स्वयं करो, जो तुम्हारा है उसे तुम्हें ही करना पड़ेगा, आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते। और आजकल के लिए बहुत ज्यादा लागू होती हैं चीजें, क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। वो इंसान अगर ये काम करेगा तो ही मैं करूंगा, अगर वो कर लेगा, अगर उससे हो गया तो मैं भी कर लूंगा। हम रिस्क लेना नहीं चाहते, हम खुद से कुछ करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मेरा सारा काम वो इंसान कर दे, मेरे को कुछ करना ना पड़े। हम आलसी भी हो गए हैं और सच मायने में हम अपना दिमाग को यूज करना भी नहीं चाहते। और अगर तुम ऐसे स्वभाव के रहे ना, तो तुम लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। रिस्क आपको ही उठाना पड़ेगा, इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा। तो जो काम करना है खुद करो, किसी पे डिपेंडेंट मत करो कि आपका दोस्त आपका यार वो अगर ऐसा
करेगा तभी आप ऐसा करोगे। खुद भी कुछ करके देखो, खुद का भी दिमाग दौड़ाओ, दिमाग आपके पास भी है। सेकंड चीज जो कि हमें एक गधे से सीखनी चाहिए चाणक्य जी के अनुसार, कि जो एक गधा होता है ना, वो कभी भी सर्दी गर्मी का हवाला नहीं देता कि आज सर्दी है मैं मेहनत नहीं करूंगा, आज गर्मी है मैं मेहनत नहीं करूंगा। एक गधा सर्दी में भी उतनी ही मेहनत से काम करता है जितनी कि वो गर्मी में करता है। उसको फर्क नहीं पड़ता गर्मी कितनी पड़ रही है या सर्दी कितनी पड़ रही है। और यही चीज हम इंसानों को भी एक गधे से सीखनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देते हैं, बहुत बहानेबाजी करते हैं कि यार मेरे साथ ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे को ये होना चाहिए था, मेरे को वो होना चाहिए था, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास होता, अगर मगर काश वाश में जिंदगी निकल जाएगी, तुम लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमेशा याद रखो कि जिस तरीके से गधा कुछ भी करके अपनी मेहनत को स्वरूप देता है, अपनी मेहनत का फल निकालता है, तो आपको भी ऐसे सीखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। बहानेबाजी मत करो कि ये हो गया आज मैं काम नहीं करूंगा, वो हो गया मैं काम नहीं करूंगा, कल काम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अभी नहीं, अभी मन नहीं करा। तो ऐसे आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको एक गधे से सीखनी चाहिए कि हमेशा संतुष्ट रहो, हमेशा संतुष्ट रहो। अच्छा, इसके दो पहलू हैं इस बात के, जब चाणक्य जी ने इसको कहा था, मैं इतना अनुमान लगा रहा हूं कि जब वो कह रहे हैं संतुष्ट रहो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो कुछ है आज आप उसमें संतुष्ट हो जाओ और घर पे जाके आराम से बैठ जाओ और बोलो अरे ठीक है जो है मिला है अच्छी बात है, अरे कोई बात नहीं है, जो होता है किस्मत के भरोसे होता है, अरे घर पे बैठ जाते हैं। कुछ लोग इसका ये मतलब भी निकाल लेते हैं और पता है क्या होता है, घर ही बैठ के क्या बोलते हैं, यार काश यार मेरे पास बहुत पैसा होता, भगवान मेरे को बहुत अमीर घर में जन्म दिए होते ना तो मजा आ जाता, ये उनकी असंतुष्टि है। लेकिन जब वो कहते हैं कि यार आज मन नहीं कर रहा काम करने का, जो है जितना है बहुत है यार, अरे जो मिला है बढ़िया है, किस्मत के हवाले होता है, किस्मत के भरोसे सब कुछ मिलता है, तो ये उनका संतुष्ट है, ये वो संतुष्ट हो रहे हैं, देखो इनकी तो बड़ी बात। तो भैया समझो मेरी बात कि लाइफ में कुछ अचीव करने का गोल रखो, कुछ करियर रखो, कुछ चाह रखो, कुछ इच्छा रखो, इच्छा शक्ति रखो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे संतोष नहीं करना है, कभी भी हार्ड वर्क करने में संतोष नहीं दिखाना है, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, बट देन कुछ ना कुछ करते रहो, मेहनत करते रहो, अपने करियर के पीछे, अपने गोल के पीछे भागते रहो। कुछ डिसाइड करो पहले, तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है, तुम कुछ चाहते ही नहीं, तुम्हारा कोई एम ही नहीं, कुछ बनना ही नहीं चाहते, लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, तुम सच बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तुम तीन चार दिन का कुछ प्लान है तुम्हारे पास कि अगले वीक तुम ये करने वाले हो, सच से बताना है, नहीं है। तुम प्लान भी पता है क्या बताओगे, मेरा प्लान है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत बड़ा, ये प्लानिंग नहीं होती है, ये प्लान जो आप करते हो ना वो जब अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसका रिजल्ट होता है, तुम रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो, तुम प्लानिंग नहीं कर रहे हो, ये चीजें कहां से आएंगी तुम्हें ये नहीं पता है। तो आप प्लीज ये ध्यान रखें कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, कैसे करने वाले हैं, पूरी प्लानिंग, रिजल्ट पे मत जाओ, रिजल्ट आपको एक ना एक दिन मिल ही जाना है। और संतुष्ट कहां पर होना है ये समझो, संतुष्ट होना है जो कि आपकी इतनी सारी इच्छाएं हैं ना कि ये भी हो जाता वो भी हो जाता वो भी हो जाता ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। लालच बहुत बुरी बला है, हद से ज्यादा लालच मत करो, लालच करो बट देन हद से ज्यादा मत करो कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मल्टीटास्किंग, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा ऐसा कर लूंगा, तो वहां पे संतोष दिखाना थोड़ा जरूरी है, चाणक्य जी ये कहना चाहते थे। तो ये थी कुछ चाणक्य जी की नीतियां। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ताकि बाकी लोगों को भी कुछ पता लग पाए कि चाणक्य जी ने कितनी इंपॉर्टेंट बात कही थी और वो भी अपनी लाइफ में इन चीजों को अमल कर पाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।